आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। राज्यपाल की आत्मकथा से जुड़ा विवाद का मामला है, इसमें राजभवन से खंडन के बाद दो दस्तावेज और सामने आए हैं। प्रकाशक की संस्था का लेटर सामने आया है, इसमें दो अन्य पुस्तकों को बेचने का जिक्र है, राजभवन जयपुर से बात होने का जिक्र है, 2,03,750 का बिल है, 50 पुस्तकों से जुड़ा हुआ यह बिल है और भुगतान करने की इसमें बात लिखी है और राजभवन से बात होने का इसके अंदर हवाला भी दिया गया है। अब राजभवन क्या पब्लिशर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगा, सवाल ये भी जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी है, 2,03,750 रुपए का बिल सामने आया है, 50 पुस्तकों से जुड़ा हुआ ये बिल है, भुगतान करने के इसके अंदर बात लिखी गई है और राजभवन से बात होने का इसके अंदर हवाला दिया गया है। और अब क्योंकि ये सामने आने के बाद अब राजभवन क्या पब्लिशर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेगा, ये एक बड़ा सवाल इसके साथ उठ रहा है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजभवन में पुस्तक से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें 50 पुस्तकों से जुड़ा हुआ यह बिल अब सामने आया। दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ है पूरा मामला बताएं। देखिए, इंडिया न्यूज राजस्थान सुबह से ही लगातार 1 जुलाई को जो राज्यपाल कैलाश मिश्र है उनकी पुस्तिका का विमोचन हुआ था और उसको लेकर किस तरह खरीद प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद राज्यपाल का खंडन आ चुका है प्रमुखता से हमारे चैनल के जरिए मामला उठाने के बाद। और राजभवन ने कहा है कि जो प्रकाशक है या जो पब्लिशर है, ये हमने उसको सिर्फ राजभवन में पुस्तक विमोचन की अनुमति दी थी, इसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है, न पुस्तक की खरीद बिक्री विपणन और कोई कॉमर्शियल गतिविधियों से। राज्यपाल का ये खंडन जो है उस पर भी अब यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके बाद दो दस्तावेज और वायरल हुए जिससे आत्मकथा से जुड़े बवाल पर कह सकते हैं कि राजभवन की सफाई पर सवाल खड़े हुए हैं। और राजभवन ने राज्यपाल की आत्मकथा की बिक्री में किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है, लेकिन इसी प्रकार से की दूसरी पुस्तकों की बिक्री से राजभवन का सीधा संबंध रहा है। लिखित में एक प्रकाशक का बाकायदा कागज यहाँ पर सामने आया है और पिछले साल जनवरी 2020 में प्रकाशक उस लेटर में ये लिख रहा है कि हमने आपको यानी सभी यूनिवर्सिटी को जो 25-25 किताबों के सेट भेजे थे, साथ ही 2,03,750 रुपए का बिल भी भेजा था। और बिल के साथ लिखा जो पत्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पत्र में ये जिक्र किया गया है कि आपकी इसको लेकर राजभवन से बातचीत हो चुकी है। तो आखिर राजभवन में किससे बातचीत हुई, कैसे हुई, क्योंकि राज्यपाल तो अभी जो मौजूदा उनकी जीवनी पर पब्लिश की गई उसको लेकर कहा कि हमारा राजभवन से कोई रोल नहीं रहा। और दूसरी, पिछले साल दो अन्य पुस्तकों का भुगतान वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग रहा है, उसमें जिक्र कर रहे हैं कि आपकी राजभवन से बात हुई थी, क्योंकि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी RTPP 8 के तहत ही आप इस तरह किताबें खरीद सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी प्रशासन। तो एक निजी प्रकाशक की लाखों रुपयों की पुस्तक आखिर राजभवन के निर्देश पर कैसे खरीदी जा सकती है, ये इस पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन दिनेश, क्या ये स्पष्ट हुआ है कि राजभवन की तरफ से ये किससे ये आदेश दिया गया और कैसे ये खरीदी गई? और दूसरा जो बात आप कह रहे हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्या अगर ये जो पूरा प्रकरण सामने आया इस पर आप कोई लीगल एक्शन या इस तरीके की कोई बात राजभवन की तरफ से कही गई है, क्या जानकारी है और इस विषय में? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। जो 1 जुलाई को राज्यपाल की आत्मकथा की पुस्तक का विमोचन हुआ था उसमें खंडन आ चुका है राजभवन की तरफ से और प्रकाशक पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है कि प्रकाशक ने किस तरह किताब को बेचा, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम इतना था कि हमने राजभवन में पुस्तक विमोचन की अनुमति दी, यानी राजभवन जो जगह है पहले से उसका इस्तेमाल हुआ था, बाकी उसने किस तरह पुस्तकें बेची, किस तरह कुलपति को दी। और अब हम जिसका बात करें, इस खंडन आने के बाद दो दस्तावेज आए और दो अन्य पुस्तकें, यानी वो प्राइवेट लेखक है और उसकी पुस्तकें, और जब उनका भुगतान 2,03,000 वो मांग रहे हैं और एक लेटर लिखा है भुगतान का जो रिमाइंडर दिया, उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि आपकी राजभवन से बात हुई थी, ये लाइन काफी विवादास्पद है। किस नाते आखिर प्रकाशक राजभवन की अनुमति या उससे बातचीत होने का जिक्र कर रहा है? तो राजभवन की तरफ से आखिर जो प्रकाशन है उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं? आप राजभवन का दबाव बनाकर अपना पेमेंट उठवा रहे हैं या कुलपति यूनिवर्सिटी प्रशासन पर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि वो पुस्तकें राजभवन से कोई लेना देना नहीं था, वो राजभवन की जीवनी नहीं थी, अन्य सब्जेक्ट पर वो पुस्तकें लिखी गई थी रिसर्च के आधार पर,
लेकिन राजभवन से दबाव डाला गया है, राजभवन का जिक्र जब वो रिमाइंडर देता है कि आप पेमेंट कीजिए ये इतने रुपए आपके 25-25 पुस्तकों का, तो वो किस आधार पर राजभवन का जिक्र कर रहा है? तो क्या अब राजभवन की तरफ से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा या फिर किसी तरह की अनुमति थी? ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और इंडिया न्यूज राजस्थान हर एक चीज को तथ्य फैक्ट सबूत के साथ अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे गए, क्योंकि राजभवन में इस तरह कुलपति जो एक काफी गरिमा वाली पोस्ट होती है उनकी गाड़ियों में पुस्तकें रख दी जाती है, उनको 68,000 रुपए का बिल थमा दिया जाता है, पुरानी पुस्तकों की बकाया राशि के लिए राजभवन के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें लगातार सामने आती जा रही है और परत दर पर इंडिया न्यूज राजस्थान हर चीज का जो यहाँ पर खुलासा करता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश इसको ये जो पुस्तक है, एक तो आत्मकथा जो कि राज्यपाल की लिखी गई है इसके साथ, और दो पुस्तकें और जो 2,70,000 जिस जो बिल का जो भुगतान हुआ है या उसकी जो बात सामने आई लेटर के अंदर, क्या ये तीनों पुस्तकों को मिला करके है या फिर एक पुस्तक जो कि राज्यपाल के लिए है ये उसका भुगतान को लेकर के इस बिल के साथ जो उसको जोड़ा गया है, ये है सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ। और दूसरा ये भी है कि क्या अभी तक जो जवाब राजभवन की तरफ से दिया गया उसको माना जाए कि वो भी कहीं संतोषप्रद नजर नहीं आ रहा है? दिनेश जी बिल्कुल, आपके सवालों को मैं समझाता हूँ कि 1 जुलाई को मैं निमित मात्र हूँ, ये जीवनी का विमोचन हुआ था, राज्यपाल पर लिखी गई थी, इसके प्रकाशक थे मिस्टर टिकनेर, ठीक है, और वो 27 कुलपति आए थे, उन्हें 19 किताबों के कार्टून उनकी डिक्की में चुपचाप रख दिए गए और 68,000 का बिल थमा दिया गया। टोटल 27 कुलपतियों को जो किताबें दी थी वो बिल 10% डिस्काउंट के साथ होता है 18,00,000। ये मसला अलग है, उसके बाद राज्यपाल का खंडन आ चुका है कि हमने सिर्फ विमोचन के लिए जगह दी थी, राजभवन में अनुमति की। अब ये जो दो पुस्तकें हैं वो अन्य किताबें हैं, उनका राज्यपाल की जीवनी है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके सब्जेक्ट अलग है और ये पिछले साल 29 जनवरी 2020 का मामला है। लेकिन जब वो भुगतान 2,03,050 पुस्तकों का जो टोटल होता है वो रिमाइंडर उसका देते हैं, उसके साथ जो लेटर लिखते हैं वो चिट्ठी बड़ी रोचक है, उसमें राजभवन का जिक्र है कि आपकी राजभवन से बात हुई थी भुगतान को लेकर, तो आप इनका अति शीघ्र भुगतान करें। तो आखिर एक प्राइवेट प्रकाशक किस आधार पर राजभवन का दबाव कुलपति जो रिपोर्ट करते हैं, कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं उनको, ये पूरा वाक्य है, क्योंकि खंडन के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने सारा राजभवन ने ठीकरा प्रकाशक पर यहाँ पर फोड़ दिया है। खैर उनकी ये बात मान ली कि आपने अनुमति दी थी, आपकी जानकारी के बिना उसने इस तरह का वाक्य किया, लेकिन वो भी राजभवन में ही किया कि कुलपतियों की गाड़ी और डिक्कियों में कैसे किताबें जबरन आपने रख दी, क्योंकि एड के तहत किताबें आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन कुलपति कैसे खरीदे? अपनी जेब से पैसा कोई भला लगाएगा नहीं, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खाते से ये पैसे डाले जाते हैं तो RTTP एक्ट का उल्लंघन होता है, जो कि आपके उसमें मुकदमा बन सकता है, उस पर आपत्ति जताई जा सकती है, एक स्कैम हो जाता, ये अलग बात है। लेकिन लगातार एक प्राइवेट प्रकाशक दो अन्य पुस्तकों में राजभवन का नाम बीच में लाला कर दबाव बना रहा है, एक अनसेसरी, और उनका भुगतान उठाया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को किताबें दी है तो रिपोर्ट वो राज्यपाल को करते हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की है, तो राज्यपाल का जो खंडन है वो काफी अटपटा हो चुका है कि हमारा प्रकाशक से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ विमोचन के लिए जगह दी थी, तो किस नाते दो अन्य पुस्तकों का भुगतान के लिए आपका नाम का जिक्र कर रहा है? सवाल यह है, जांच का विषय यह है। बहुत शुक्रिया दिनेश फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।